सो इट्स 5:10 PM और अभी पहुंच गए हैं द्वारका, देवभूमि द्वारका, कृष्ण भगवान की जो नगरी माना जाता है वहां पे आ गए हैं। सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, दिस इज योर फ्रेंड पार्थ राणा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इट्स 26th March 2022 और सुबह के 6:30 बज चुके हैं और अभी जर्नी कर रहे हैं, द्वारका जा रहे हैं, श्री कृष्ण की जो नगरी है वहाँ पे जा रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ कार जर्नी, लास्ट जर्नी भी कार जर्नी रही थी पर वो फैमिली के साथ था और ये ब्रदर्स के साथ है, दिस इज़ अ ब्रो ट्रिप। सो जो भी चीज़ होगी आपको बताएंगे। और लास्ट जो जर्नी थी वो 3 night 4 days की थी, इसमें हमने अभी ऐसा कुछ प्री डिसाइड किया नहीं है, 4 दिन भी रुक सकते हैं, 5 दिन भी रुक सकते हैं। सो जो भी होगा दिखाएंगे। सो पहले दिन की जर्नी इस तरह से शुरू करते हैं, हम हमारी ड्राइव शुरू करने जा रहे हैं और आप लोग भी वर्चुअल जर्नी को एंजॉय कीजिए। सो इट्स 10 AM इन द मॉर्निंग और 10 बज चुके इधर आ गए हैं, चोटीला पहुँचे हैं अभी। और यहाँ से 1 किलोमीटर पहले हमने टैंक रिफिल करवाया और अभी चोटीला यहाँ पे ऑनेस्ट है, वहाँ पे होल्ड दिया है, दिस इज आवर फर्स्ट होल्ड। और यहाँ पे अभी कुछ चाय नाश्ता करेंगे, फिर यहाँ से आगे जर्नी करेंगे। सो ये ऑनेस्ट है, उसके बिल्कुल सामने चोटीला का जो हिल है, माँ चामुंडा का यहाँ पे टेम्पल है, तो वो यहाँ से दिखता है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। सामने आपको दिख रहा होगा, आई थिंक GoPro कैप्चर कर पा रहा है। सो अभी यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे 15-20 मिनट के लिए और फिर आगे जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो इट्स 5:10 PM और अभी पहुंच गए हैं द्वारका, देवभूमि द्वारका, कृष्ण भगवान की जो नगरी माना जाता है वहां पे आ गए हैं। हम लोग इधर आए थे दोपहर के 3 बजे, फिर आने के बाद हम लोगों ने यहां पे लंच लिया और लंच लेने के बाद हमने रूम लिया यहां पे, तुलसी करके एक होटल है यहां पे, होटल तुलसी, वहां पे हमने रूम ले लिया है। और अभी थोड़ा फ्रेश होके वहां से सीधा इधर आए हैं। सो हमारा साइट सीइंग का ये फर्स्ट प्लेस है, ये भड़केश्वर महादेव जी का टेम्पल है। सो यहाँ का जो व्यू है, भड़केश्वर महादेव जी का जो टेम्पल है, उसके पीछे पूरा अरेबियन सी आ रहा है। सो देखा आपने जैसे कि यहाँ की वाइब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्योर है और इतना कुछ भीड़ है नहीं आज यहाँ पे। सो अभी जस्ट यहाँ पे पहुँचे हैं और इससे आगे फिर देखते हैं कौन से प्लेस कवर करते हैं। यहाँ पे आजू बाजू में देखने के लिए कुछ जगह है जो आपको आगे दिखाते हैं। सो अभी भड़केश्वर महादेव शिवलिंग में बहुत ही अच्छे दर्शन किए, वहाँ पे कुछ देर बैठे और समुंदर की जो लहरें थी, उसकी जो आवाज़ थी, उसको महसूस किया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और वहीं से पास में यहाँ पे 400 मीटर की दूरी पे, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लाइट हाउस है, द्वारका का जो लाइट हाउस है वहाँ पर आए हैं। सो यहाँ पर देखने का वक्त यहाँ पर बोर्ड पर लिखा गया है कि 4 to 6 PM के बीच में शाम को आप यहाँ पर आ सकते हो। सो अभी 6:15 की कुछ देर है, सो अभी हम अंदर जाएंगे और जितनी चीज़ें कवर कर पाता हूँ, अगर वीडियोग्राफी अलाउ करेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा। और यहाँ से आप देखिए ये पीछे का व्यू बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है, एज यू कैन सी, आप विंड मिल साइड से देख पा रहे हो अगर GoPro कैप्चर कर रहा है तो, समुंदर के पीछे।
सो हियर आई एम एट गोमती घाट। गोमती घाट है यहाँ पे, जहाँ पे गोमती रिवर है वो अरेबियन सी से मिलती है। और यहाँ पे मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हो दैट इज सुदामा सेतु। सुदामा सेतु बोलते हैं। यहाँ पे गोमती घाट पे दर्शन करके फिर वहाँ पे जाएंगे सुदामा सेतु पे। सो आप ये गोमती घाट का एक बार व्यू देख लीजिए। अभी सुदामा सेतु पे आए हैं। सुदामा सेतु जस्ट क्रॉस किया। सुदामा सेतु पे एंट्री टिकट है पर पर्सन 10 रुपीज़। तो उसको लेके क्रॉस करके अभी इधर आए। आप द्वारकाधीश का टेंपल देख पा रहे हो, हाफ टेंपल आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस इज सुदामा सेतु। यहाँ पे सुदामा सेतु भी है। और सुदामा सेतु के एंड पॉइंट पे जब आप पहुँचोगे तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। कैमल राइड हो रही है, ATV है, और ये लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। आप इसको भी देख पा रहे हो यहाँ। और यहाँ पे तो देख रहे हो गोमती घाट है, जहाँ से मैंने अभी एक वीडियो ऑलरेडी डाला है गोमती घाट का। तो दैट इज गोमती घाट। अभी हम वहाँ पे थे, सुदामा सेतु क्रॉस कर गए। सो इट्स 12:15 AM, रात के 12:30 बजने को है। और शाम को सुदामा सेतु से फिर हम लोग डायरेक्टली निकल के गए थे द्वारकाधीश टेम्पल में। तो वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए थे। वहाँ पे कैमरा और मोबाइल और ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है, सो वहाँ का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। पर दर्शन काफ़ी अच्छे रहे, बढ़िया रहा। शाम को 7:30 बजे और 8:30 बजे दो आरती यहाँ पे होती है। तो 8:30 बजे जो आरती होती है वो हमने अटेंड किया, और बहुत स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट था वहाँ पे। सो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं पहली बार आया इधर द्वारका में, सो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मेरे साथ आकाश और पावन भाई है, तो उन दोनों को भी काफ़ी मज़ा आया। सो फिर वहाँ से निकल के हम लोग वापस रूम पे आए। वहाँ पे 1 घंटा जैसा टाइम लग गया था। सो रूम पे आके फिर फ्रेश होने के बाद हम डिनर लेने के लिए गए। सो डिनर में भी हमने लाइट फूड लिया, और उसके बाद वापस रूम पे आ गए हैं। और अभी कल सुबह भी जल्दी से उठ के जाना है। आगे का प्लान जो क्या है वो मैं आपको कल शेयर करता हूँ। सो अभी इस तरह से डे 1 को एंड करते हैं, और इस वीडियो को भी इस तरह से एंड करते हैं। और नेक्स्ट जो कल का डे होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में रिलीज़ करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो अच्छी लगी है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।